हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस न्यू वीडियो में। आज हम VMC मशीन में ऑटोमेटिक टूल चेंज होते समय आर्म फंस गया है, जिसके कारण ये मैसेज आ रहा है। मैसेज नंबर हमारा 2092 है। बोथ टूल क्लैंप एंड डिक्लैंप प्रॉक्सिमिटी आर ऑन। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि दो टूल आपस में चेंज होते समय आर्म हमारा फंस गया है, जिसके कारण ये मैसेज आ रहा है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहले हम मशीन को रिसेट करेंगे कि जैसे ही हमने रिसेट किया तो एक दूसरा मैसेज आने लगा है। मैसेज नंबर 2083, पावर फेल, रिसेट एमरजेंसी स्टॉप ड्यूरिंग टूल चेंज, प्रोग्राम M6 इन MDI मोड एंड स्टार्ट द साइकिल, एक्सेस विल नॉट मूव ड्यू टू फीड ऑफ। ये जो दूसरा मैसेज आ रहा है, इसको रिमूव करने के लिए हमें प्रोग्राम में M6 टाइप करना पड़ेगा। उसके लिए हमें MDI मोड सेलेक्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले हमने MDI मोड सेलेक्ट किया। ये देखिए, हम MDI मोड भी दिखा रहे हैं। अब उसके बाद प्रोग्राम में गए और M6 टाइप किए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, M6 टाइप करके हमने इंसर्ट किया। इंसर्ट करके जैसे ही साइकिल ऑन करेंगे, ये हमारा मैसेज रिमूव हो जाएगा और ATC आर हमारा प्रॉपर अपनी पोजीशन पे चला जाएगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आर हमारा पोजीशन पे चला गया है, लेकिन एक तीसरा मैसेज फिर से आने लगा है। मैसेज नंबर 2080, टूल चेंजर, रिसेट टू होम पोजीशन, प्लीज चेक द टूल डाटा एंड इंश्योर करेक्टनेस, कन्फर्म बाई प्रेसिंग रिसेट एंड साइकिल ऑफ पुश बटन एट द सेम टाइम। इस मैसेज को रिमूव करने के लिए हमें साइकिल ऑफ और रिसेट बटन एक साथ दबाना पड़ेगा। ये देखिए, हम एक साथ दबाने जा रहे हैं। ये हमने एक साथ दबाया, जैसे ही ये मैसेज हमारा प्रॉपर रिमूव हो गया। मशीन हमारी वर्किंग के लिए रेडी हो गई है। अभी हम टूल को प्रॉपर चेंज करके दिखाएंगे। आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ये देखिए, हम नेक्स्ट टूल चेंज करके दिखा रहे हैं। मशीन हमारी प्रॉपर रेडी हो गई है। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।